नमस्कार, मैं नीता सैफी, देख रहे हैं आप महाखबर। जम्मू कश्मीर के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। जी हाँ, ये छोटे मोटे नहीं बल्कि 25,000 करोड़ का घोटाला है और ये एक जमीन से मुतालिक रखने वाला घोटाला है, जिसका खुलासा होने के बाद कई बड़े राजनेता और नौकरशाहों के नाम सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये नाम काफी चौंका देने वाले हैं। दरअसल हम जिस घोटाले की बात कर रहे हैं वो एक एक्ट है जिसका नाम है रोशनी एक्ट, और ये जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर पर बना था, जिससे कोई भी व्यक्ति या नौकरशाह और साथ ही राजनेता जम्मू कश्मीर की जंगलातों वाली जमीन पर अतिक्रमण या कब्जा गैर कानूनी तौर से ना कर सके। इस एक्ट को बनाने के पीछे की पूरी मंशा यही थी कि प्रभावशाली लोगों से इस जमीन को बचाया जा सके और साथ ही कोई भी आता जाता इस जमीन पर अपना अतिक्रमण या मालिकाना हक ना जता सके। लेकिन एक हमाम में सब नंगे, जिस वजह से इस एक्ट को बनाया गया था वही घोटाला सामने आया है। आइए आपको बताते हैं क्या है ये घोटाला। इस एक्ट के अनुसार 2001 में जम्मू कश्मीर राज्य भूमि व्यवसायियों का स्वामित्व का मामला अधिनियम 2001 लोगों को राज्य भूमि के स्वामित्व के निहितार्थ प्रदान करने के लिए पारित किया गया था, जो इसी भूमि पर काबिज थे। इसी एक्ट की ओट में पूरे जम्मू कश्मीर में सैकड़ों एकड़ मूल्यवान वन और राज्य की भूमि पर अवैध रूप से प्रभावशाली राजनेताओं, व्यापारियों, नौकरशाहों और न्यायिक अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण और कब्जा कर लिया गया था। क्योंकि इन जमीनों को वापस लेना सरकारों के लिए मुश्किल हो रहा था, इसी कारण रोशनी अधिनियम के तहत प्रस्तावित किया गया था कि वर्ष 1990 तक प्रचलित बाजार दर के बराबर लागत के भुगतान पर 1990 तक अनाधिकृत रूप से राज्य की भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। इस एक्ट में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। इस एक्ट का सीधा फायदा राज्य सरकारों को भी हुआ है। 1999 के पहले जो सरकारी जमीन थी उसे गरीब तबके के लोगों को विधि पूर्वक जमीन उपलब्ध कराने के लिए रोशनी एक्ट बनाया गया था। इसका दूसरा उपयोग पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना था, ताकि उसे जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट में लगाया जा सके। 2001 में इसे बनाया गया था, लेकिन इसमें समय समय पर संशोधन किया जाता रहा। समय समय पर राज्य सरकारें बदलती रही और राजनेताओं को उसका फायदा उठाने का खासा मौका भी मिलता रहा है। पहला संशोधन 2004 में मुफ्ती सईद सरकार ने किया। इसके बाद 2007 में गुलाम नबी आजाद की सरकार के दौरान कानून में बदलाव किया गया। मुफ्ती सईद सरकार ने कट ऑफ डेट 1990 से बढ़ाकर 2004 कर दी और बाद में गुलाम नबी आजाद सरकार ने इसे बढ़ाकर 2007 कर दिया था। मीडिया खबरों की माने तो रिटायर्ड प्रोफेसर एस के बल्ला ने एडवोकेट शेख वकील के जरिए 2011 में इस मामले पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कराई थी। उन्होंने इस याचिका में सरकारी और जंगली जमीन में बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए। इसके 2014 में सीएजी रिपोर्ट आई, जिसमें ये खुलासा हुआ कि 2007 से 2013 के बीच जमीन ट्रांसफर करने के मामले में गड़बड़ी की गई। सीएजी रिपोर्ट में दावा किया गया कि सरकार 25,000 करोड़ के बजाय सिर्फ 76 करोड़ रुपए ही जमा कर पाई है। इसी के साथ ही इस केस के सारे सिरे एक के बाद एक खुलते गए और बड़े नाम स्कैम में सामने आते रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर 2014 में केस में एक याचिका सीबीएम लगाई। एडवोकेट अंकुर शर्मा ने अपनी ये याचिका में रोशनी केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की। 2018 में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को निरस्त कर दिया। पिछले महीने 9 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने केस की जाँच सीबीआई को सौंप दी। 25,000 करोड़ रूपए के इस जमीन घोटाले की जाँच अब सीबीआई द्वारा की जा रही है। इस घोटाले में कई बिजनेसमैन और अफसर शाह के नाम भी सामने आए हैं। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों से जमीन वापस ली जाएगी। बात करें जम्मू कश्मीर की तो साल 2019 से जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लगा है। इसके साथ ही वहां के सारे बड़े राजनेता अपने ही घरों में नजरबंद कर दिए गए थे, जिसमें सारे बड़े नेता जैसे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस स्कैम में सबसे बड़ा नाम फिलहाल जो खुल के सामने आया है वो है फारूक अब्दुल्ला का, और राजनेताओं की आदत होती है आरोप प्रत्यारोप करने की। उसी के चलते फारूक अब्दुल्ला ने कुछ आरोप बाकी राजनेताओं पर भी लगाए हैं और साथ ही अपनी सफाई पेश करते हुए ये भी कहा है कि उस जमीन पर मेरे अलावा कई और लोगों के भी घर हैं। जम्मू कश्मीर में DDC के चुनाव होने वाले हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये स्कैम विपक्ष पर भारी पड़ने वाला है या फिर राज्य में मौजूद सरकार पर भारी पड़ने वाला है। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो,
कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा पेज लाइक और शेयर कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे इसी तरीके की कुछ रोचक, एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव खबरों के साथ। आपसे मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।